अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल माझी मराठी पे स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग जो कि हर परीक्षा में पूछा ही जाता है, उस भाग का आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे बोर्ड की कृति पत्रिका में या क्वेश्चन पेपर में पत्र लेखन पूछा ही जाता है। अब हमें वो पत्र लेखन किस प्रकार से लिखना, इसका हमें इस वीडियो में अध्ययन करवाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों, आपको इस वीडियो में पत्र लेखन के प्रकार, पत्र लेखन का ईमेल फॉर्मेट जो अभी बोर्ड के परीक्षा में आवश्यक है, अनिवार्य है, उस फॉर्मेट का आपको अध्ययन करवाया जाएगा। उसके अलावा बोर्ड के परीक्षा में हिंदी विषय के संयुक्त पेपर में पूछा गया एक पत्र का नमूना आपको इस फलक पर, इस ब्लैक बोर्ड पर आपको करवाया जाएगा, जिससे आप लोग पूर्ण रूप से पत्र लेखन किस प्रकार किया जाता है आपको पूरी तरह इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में समझ आ जाएगा। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हर भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, हर भाषा में पत्र के दो प्रकार होते हैं मुख्य तौर पर। पहला फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, जो हम विविध प्रकार के कार्यालयों में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा स्कूल में अगर एप्लीकेशन लिखना है, अर्ज लिखना है, तो औपचारिक पत्र का उपयोग होता है। उसके अलावा कि आपको किसी की शिकायत दर्ज करना है, वो भी औपचारिक पत्र में आता है। और इसके अलावा आप लोग कोई भी ऑफिशियल वर्क में, चाहे वो किताबें मंगवाना है या कोई चीज़ मंगवाना है, उस लिए भी आपको इस पत्र का उपयोग करना होता है। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र बच्चों, ये अपने सगे संबंधी मित्रों को या अपने रिलेटिव्स को लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, दोनों पत्र आपको आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न औपचारिक पत्र का नमूना हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, आप लोग पूरा देखिए ताकि आपको पत्र कैसा लिखना वो आपको समझ आ जाएगा। उसके पहले हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पत्र का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पत्र का नमूना कैसा होना चाहिए, पत्र किस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि जो ओल्ड फॉर्मेट था, जो पुराना फॉर्मेट था पत्र लेखन का, अब वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब ये न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अब हमें पत्र लेखन अपेक्षित है। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये जो फॉर्मेट है इसे ईमेल फॉर्मेट कहते हैं, ईमेल फॉर्मेट। तो बच्चों, ईमेल फॉर्मेट में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर आ गया है दिनांक, उसके बाद हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उनका नाम तथा पता यानी प्रति लिखकर, फिर उसके बाद में हम किस विषय में, किस हेतु से पत्र लिख रहे हैं वो विषय, फिर उसके बाद महोदय लिखने के बाद में जो जिस विषय पे हम पत्र लिख रहे हैं वो यानी बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद पत्र समाप्त होने के बाद में आप लोग देख रहे हैं कि धन्यवाद लिखने के बाद भवदीय लिखा गया है। भवदीय मतलब कि जो पत्र लिख रहा है यानी प्रेषक। फिर हमें अपना नाम, पत्र लिखने वाले का नाम, उसके बाद उसका पता, पिन कोड और अपना ईमेल आईडी लिखना होता है। तो बच्चों, ये है ईमेल फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हमें पत्र लिखना अनिवार्य है। तो अब हम देखते हैं इस ईमेल फॉर्मेट पे आधारित एक प्रश्न, एक पत्र का नमूना। चलिए, तो बच्चों देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पत्र का नमूना आ गया है। बच्चों, ये बोर्ड के परीक्षा में 4 अंकों के लिए पत्र लेखन पर पूछा गया है। ये पत्र लेखन का प्रश्न हमें विभाग 4 यानी रचना विभाग उपयोजित लेखन में पूछा जाता है, जो कि 12 अंकों के लिए होता है, लेकिन पत्र लेखन हमें सिर्फ 4 अंकों के लिए होता है।
तो बच्चों आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर दोनों पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे आसान पत्र जो होता है वो होता है मेरे दृष्टिकोण से औपचारिक पत्र। तो अब हम देखते हैं कैसा प्रश्न है और किस प्रकार से हमें पत्र लिखना है, देखते हैं। प्रश्न चार, सूचनाओं के अनुसार लिखिए। अ, एक पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। तो देखिए निम्न में कुछ जानकारी दी गई है, नीचे कुछ जानकारी दी गई है, इस जानकारी के आधार पर हमें पत्र का नमूना तैयार करना है। तो देखते हैं, तो दो पत्र के नमूने हैं। नंबर एक, शरद या शारदा इंगले तुकाई सदन तिलक नगर 40 गांव से व्यवस्थापक मनुश्री पुस्तक भंडार महात्मा नगर जलगांव को हिंदी की निम्नलिखित पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र लिखता है या लिखती है। अब देखिए कौन कौन सी किताबें मंगवाना है वो दिया गया है टेबल में, अनुक्रमांक 1, 2, 3, पुस्तकों के नाम गोदान, लेखक है प्रेमचंद और प्रतियां हैं 4। नंबर दो, पानी के प्राचीर, राम दरश मिश्र, इसकी 6 प्रतियां मंगवाना है। उसके अलावा तीसरा देखते हैं पिंजर, तीसरी किताब है पिंजर और लेखिका है अमृता प्रीतम, इसकी 3 प्रतियां मंगवाना है। ये एक प्रश्न हो गया। तो ये इस नमूने में हमें व्यवस्थापक को पत्र लिखकर ये पुस्तक यानी किताबें हमें VVP द्वारा मंगवाने हेतु पत्र लिखना है। उसके अलावा दूसरा पत्र दिया गया है अथवा में, प्रकाश या प्रगति सालुंके वर्तक नगर जालना से अपने मित्र सहेली गौरव या गौरवी चौहान अलहाद नगर बीड को जन्मदिन की बधाई देने हेतु पत्र लिखता है या लिखती है। तो यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में हमें जन्मदिन की बधाई देने वाले पत्र का नमूना तैयार करना है। तो बच्चों हम पहला नमूना तैयार कर रहे हैं जो औपचारिक पत्र है। बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग, विषय के अनुसार हमें पत्र लिखना है। जिस नाम का प्रयोग आपके प्रश्न में है उसी नाम से हमें पत्र की शुरुआत करना है। तो देखते हैं हम अब पत्र का नमूना। चलो बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं पत्र लेखन की। बहुत आसान पत्र लेखन होता है, बस हमें एक बार वो समझ आ जाए तो हम आसानी से 3 या 4 मार्क्स या कभी कभी आउट ऑफ मार्क्स भी हम लोग अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर माहिती उस प्रश्न में ही दी जाती है। तो देखते हैं हम अपने पत्र की शुरुआत। तो बच्चों एक बात याद रखिए, ये हमारा पत्र लेखन ईमेल फॉर्मेट का है, तो इसलिए हमें ईमेल फॉर्मेट में ही पत्र को लिखना अपेक्षित। तो ईमेल फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, पत्र की पूरी शुरुआत हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, जो कि आपने अभी एक प्रारूप एक उदाहरण देखा, एक नमूना देखा है उसके अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें किसे पत्र लिखना है वो देख लेते हैं। तो पहले बताइए सबसे पहले क्या आएगा, यस सबसे पहले आएगा दिनांक। और हाँ बच्चों, जब भी हम पत्र का ये प्रश्न की शुरुआत करेंगे तो हम न्यू पेज से करेंगे, इससे हमारा पत्र सुंदर एवं सुसूचित दिखाई देगा। चलिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिनांक। दिनांक अगर प्रश्न में दिया गया है तो आप प्रश्न के अनुसार दिनांक लिखिए, या फिर आप जिस दिन परीक्षा दे रहे हैं वो तारीख भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहां से अंदाजन 3 अप्रैल 2021 इस प्रकार से हम दिनांक लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों अब हमें देखना है कि पत्र हम किसे लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं, हमें पत्र लिखना है माननीय व्यवस्थापक यानी मैनेजर को किताबें मंगवाने हेतु जो हमारे प्रश्न में दिया गया है। तो अब हम जिसे खत या पत्र लिख रहे हैं उनका पता लिखेंगे या उनका नाम भी लिखेंगे। देखिए प्रति, एक लाइन छोड़ लेंगे बच्चों, प्रति किसे लिख रहे हैं हम, व्यवस्थापक को। तो व्यवस्थापक का नाम लिखते समय हमें थोड़ा सा आदर सम्मान इन शब्दों का प्रयोग करना है, जैसे माननीय माँ करके बिंदी दे देंगे यानी माननीय व्यवस्थापक,
साहब। देखिए आपके प्रश्न में भी दिया गया है, अब इनका एड्रेस यानी पता भी लिखना है हमें। देखिए क्या दिया गया है, मनुश्री पुस्तक भंडार। महात्मा नगर। जलगांव। इस प्रकार से दिया गया पता आप लोगों को लिखना है, उसके बाद में आप कोई भी फेक पिन कोड भी डाल सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 412005। चलिए ये हो गया दिनांक प्रति जिसे हमें लिखना है पत्र। उसके बाद हम देखेंगे विषय, हम किस विषय में या हमारा विषय क्या है पत्र लिखने का, वो लिखेंगे। अब हम क्या विषय बच्चों बताइए। बिल्कुल सही, हमारा विषय है पुस्तकें मंगवाने हेतु। देखिए आपके प्रश्न में भी दिया गया है पुस्तकें मंगवाने हेतु, यानी प्रश्न में से ही हम लोग अपना विषय लिख सकते हैं। लिख लीजिए पुस्तकें मंगवाने हेतु। बच्चों जितना विषय छोटा हो और प्रभावी हो, याद रखिए आप लोग, हमारा विषय छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो और प्रभावी हो, यानी एक ही वाक्य में अगले को समझ में आ जाना चाहिए कि पत्र क्यों लिखा गया है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के अब हम पत्र की शुरुआत करते हैं। महोदय, चलिए ये हो गया, अब हम पत्र की शुरुआत करते हैं। तो पत्र की शुरुआत नम्रतापूर्वक होनी चाहिए, जो क्योंकि हम ये पत्र अपने बड़े को लिख रहे हैं, उसमें हमें नम्रता दर्शानी चाहिए ताकि हमें अच्छे से अच्छे अंक भी मिले और हमारा काम भी हो जाए। बच्चों ये पत्र लेखन केवल आपको परीक्षा के हेतु काम में नहीं आएगा, तो आपके आगे की ज़िंदगी में अगर आपको भविष्य में कोई काम करना है, कहीं पत्र लिखना है, तो आप लोग इसी फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो लिख लीजिए सेवा में नम्रता पूर्वक निवेदन किया जाता है कि निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा विषय ही यही है, तो हम बिल्कुल ध्यान देखिए बच्चों, आप लोग बोलेंगे बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। सेवा में नम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। अगर हमें अन्य कोई साहित्य मंगवाना है, जैसे क्रिकेट का सामान मंगवाना है, खेलने का साहित्य मंगवाना है, तो हम बोलेंगे क्रिकेट का साहित्य मंगवाने हेतु। तो फिर कैसा आएगा हमारा ये, यानी स्टार्टिंग कैसी आएगी, सेवा में नम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि मुझे निम्नलिखित क्रिकेट के साहित्यों की आवश्यकता है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। पत्र प्राप्त होते ही VPP द्वारा आप पुस्तकें भेजने की कृपा करें। लिख लेते हैं पत्र प्राप्त होते ही आप VPP द्वारा पुस्तकें
भेजने की कृपा करें। देखते हैं बच्चों, एक बार समझ लेते हैं हम। पत्र प्राप्त होते ही आप वीपीपी द्वारा पुस्तकें भेजने की कृपा करें। वीपीपी द्वारा कि जैसे ही महोदय आपको पत्र प्राप्त होता है तो आप वीपीपी द्वारा आप किताबें भेज दीजिए। अब वीपीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, वीपीपी मतलब क्या होता है? वीपीपी मतलब वैल्यू पेएबल पोस्ट, मतलब मान देय पद। तो हम बच्चों वीपीपी द्वारा अगर हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है तो जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं हम लोग, तो कैश ऑन डिलीवरी की भी एक पद्धत होती है पे करने की, तो वो ही तो उसी प्रकार से ये वीपीपी की एक पद्धत होती है। तो अब देखते हैं हम कि अब हम उन्हें ये विनंती करेंगे कि पत्र प्राप्त होते ही आप वीपीपी द्वारा पुस्तकें भेजने की कृपा करें। हम आपको जो बचा हुआ शेष पेमेंट है वो हम वीपीपी द्वारा अदा करेंगे। अब हमें कुछ एडवांस देने की ज़रूरत है तो हम उसका भी उल्लेख कर लेंगे कि पत्र के साथ ₹200 का पोस्टल ऑर्डर भी आप लोग दे रहे हैं वो लिख लीजिए। पत्र के साथ ₹200 का पोस्टल ऑर्डर भेजा जा रहा है। यानी एडवांस रकम हम कितनी दे रहे हैं, ₹200। उसके बाद शेष राशि यानी बैलेंस अमाउंट, शेष राशि पुस्तकें प्राप्त करने के बाद वीपीपी द्वारा अदा की जाएगी, अदा की जाएगी कि अगर कुछ अमाउंट बचता है तो वो अमाउंट आपका वीपीपी द्वारा आपको अदा होंगी, ये भी इसका भी उल्लेख आपको करना है। उसके बाद अब हमें कौन कौन सी किताबें मंगवाना है वो लिख लेते हैं। निम्न पुस्तकें भेजे, निम्न पुस्तकें भेजे तो कौन कौन सी किताबें हैं, तो बच्चों इसका तो उल्लेख हमारे प्रश्न में ही दिया गया है कि हमें 3 किताबों का नाम दिया गया है, लेखक का नाम दिया गया है और कितनी प्रतियां चाहिए, कितनी कॉपीज चाहिए इसका भी उल्लेख किया गया है। इसके लिए भी हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न में से ही हम ढूंढकर लिख सकते हैं, तो उसे भी लिख लेते हैं। बढ़िया, चलिए। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग स्केल पट्टी की सहायता से बॉक्स बना करके किताब पुस्तकों के नाम, लेखक और प्रतियां जिस तरह से प्रश्न में दिया गया है, कृति में दिया गया है, आप लोग उसके अनुसार टेबल बना करके लिख लेंगे। तो देख लीजिए आप जितना सुंदर और सुटसुटित नीट क्लीन वर्क करोगे उतने ही ज़्यादा अंक आप प्राप्त करोगे। इसलिए बच्चों अपना कार्य साफ सुथरा एवं सुंदर रखने की कोशिश करें। तो देखिए सबसे पहली किताब हमें मंगवानी है, कौन सी है? देखिए पुस्तक का नाम है गोदान, इस पुस्तक के लेखक है प्रेमचंद, कितनी प्रतियां चाहिए हमें, कितनी कॉपीज चाहिए उसका भी उल्लेख है, तो यहां पे हमें 4 प्रतियां चाहिए तो 4 लिख लीजिए। नेक्स्ट दूसरी किताब है पानी के प्राचीर, इस पुस्तक के लेखक है रामदर्श मिश्र,
इन किताबों की प्रतियां मंगवानी है हमें 6। उसके बाद तीसरी किताब है पिंजर। इस किताब की लेखिका है अमृता प्रीतम। ये भी हमें 3 प्रतियां मंगवानी है। बच्चों, आप लोगों को यदि किताबों का यानी पुस्तकों का नाम, लेखक और प्रतियां दी गई है तो आप जैसा कि वैसा लिखेंगे। आप लोग अपने मर्जी से कुछ नहीं बढ़ाएंगे। अगर किताबों का नाम नहीं होता तो आप लोगों को अपने मर्जी से कोई भी 3-4 किताबों के नाम, लेखक और प्रतियों का उल्लेख आप कर सकते हो। लेकिन अगर प्रश्न में है तो आपको वही लेना अनिवार्य है। चलिए अब देखते हैं। तो बच्चों, अब हमने पूरा पत्र लिख लिया है। अब हम उन्हें लास्ट लाइन लिखकर हम अपने पत्र को समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूं कि उपयुक्त पुस्तकें आप VPP द्वारा जल्द से जल्द भेजने की कृपा करेंगे। चलिए लिख लीजिए, आशा करता हूं। उपयुक्त VPP द्वारा जल्द से जल्द भेजने की कृपा करेंगे। इस तरह से हमारा पत्र का नमूना समाप्त होता है। उसके बाद धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद अब हमें जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, पता और ईमेल आईडी भी हमें लिखना है, जो कृति में दिया गया है। तो किस नाम से हमने पत्र लिखा है? हमने लड़का यानी शरद इंगड़े के नाम से हमने पत्र लिखा है, तो हम उसका नाम और पता लिख लेंगे। लिख लीजिए, भवदीय। अगर लड़का लिख रहा है तो भवदीय लिखेगा, अगर लड़की लिख रही है तो भवदीया ऐसा लिखेंगी। भवदीय शरद इंगड़े, शरद इंगड़े, तुकाई सदन, तिलक नगर, चालीसगांव। कुछ भी फेक पिन कोड लिख लीजिए। उसके बाद महत्वपूर्ण है ईमेल आईडी। तो अगर ईमेल आईडी आपको प्रश्न में दिया गया है तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग अपने तौर पर तैयार करके एक ईमेल आईडी लिखना है आपको, तो लिख लीजिए यहां पे। ईमेल आईडी शरद @gmail.com। इस प्रकार से बच्चों हम पत्र का नमूना हिंदी विषय के लिए तैयार कर सकते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसे लिखने का प्रयत्न कीजिए। अब यहाँ पे हमने पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र लिखा है। आप लोग अन्य कोई साहित्य, दवाइयाँ भी मंगवा सकते हैं, आप लोग खेलने का साहित्य भी मंगवा सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है तो आप इस प्रकार से, इस फॉर्मेट से आप लोग लिख सकते हैं। और बच्चों, अगर आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ आया है, पत्र लेखन का किस प्रकार करना ये समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और पत्र कैसा लगा आपको, समझ आया है, तो कमेंट में अवश्य लिखिए। थैंक यू।